नमस्कार वैश्यपा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते खास खबरों की ओर। महिला विकास मंच की ओर से राजधानी पटना के फ्रेजर रोड स्थित होटल कासा पिकोला में सावन मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजधानी पटना की महिला ने जमकर मस्ती की। सावन की आखिरी सोमवार से पहले आयोजित समारोह में महिलाएं हर परिधानों में खनकती हरी हरी चूड़ियों और हाथों में सजी मेहंदी एवं माथे पर रंग बिरंगे कुमकुम के साथ खूब जच रही थीं। और सावन की अंतिम सोमवारी से पहले रविवार को महिला विकास मंच की महिलाओं ने अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किसी गया फिर गणेश वंदना से हुआ, फिर मोरनी बन के और मैं तो छमछम नाचू गाने से शुरू हुई, जिसके बाद का समय देखने लायक था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष तिलमणि मिश्रा और मिसेज इंडियन रनर अप ममता राय मौजूद रही थी। वहीं महिला विकास मंच की मुख्य संरक्षक वीणा मानवी ने बताया कि बिहार के बाद अब कोलकाता में भी महिला विकास मंच की स्थापना 9 अगस्त 2019 को की गई है एवं उन्होंने बताया कि दिल्ली, कोलकाता, झारखंड के बाद जल्द ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी महिला विकास मंच की इकाई गठित की जाएगी। कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे रैप, वे जयमाल, डांस कंपटीशन आदि करवाया गया और महिला प्रतिभागी को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित करवाया गया। बिहार महिला विकास मंच ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हर साल की तरह इस साल भी सावन मिलन समारोह का आयोजन किया था। इसमें राजधानी पटना के अलावा गया, बक्सर, समस्तीपुर, छपरा जैसे जिलों से भी आई महिलाएं शामिल हुई और सावन मिलन समारोह में कई मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन वीणा पांडे, कंचन माला और महिला विकास मंच वैशाली जिला अध्यक्ष सोनल सिंह के द्वारा किया गया एवं मिलन समारोह में बिहार महिला विकास मंच की कांति केशरी और वीणा मानवी के अलावा वंदना भारती, रेणु जायसवाल, कंचन माला और प्रीति ने समारोह में शामिल होने आई महिलाओं का स्वागत किया और इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहीं दूसरी ओर कोलकाता के हाथी बागान में महिला विकास मंच द्वारा आयोजित टीम गठन सावन मिलन का कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पटना से पूरी टीम के साथ आई बीना मानवीय जी ने सभी 9 लोगों को पद भी देकर सम्मानित किया, जिसमें श्री कृष्ण कुमार जायसवाल को संयोजक, श्रीमती सुमन गुप्ता को अध्यक्ष, श्रीमती शशि गुप्ता उपाध्यक्ष, वंदना जायसवाल को महामंत्री, श्रीमती मनीषा गुप्ता को मीडिया प्रभारी के पदों से सम्मानित किया गया। महिला विकास मंच कोलकाता में गठन करने का मुख्य उद्देश्य बंगाल को घरेलू हिंसा, महिलाओं पर प्रताड़ना और पुरुषों को भी प्रताड़ित किया जाए तो उसके खिलाफ एक मुहिम, जिससे सभी लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गठन के पहले ही मनीषा गुप्ता के द्वारा एक महिला की मदद रात्रि में जाकर मदद करने पर उन्हें बिना मानवी के अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। सावन माह में आयोजित होने वाली सावनी पूजा महोत्सव का कार्यक्रम इस बार फुलवारी शरीफ में काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। लगभग 200 वर्षों से आयोजित होने वाले इस पूजा में वर्ष हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। जानकारों का मानना है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व फुलवारी शरीफ में भयंकर अकाल और महामारी फैला था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान बीमारी से चली गई। उस वक्त के पुजारी रहे चमेली बाबा को मां देवी ने स्वप्न में अपने पूजा अर्चना करने की बात कही। राजधानी पटना से महज 20 किलोमीटर दूर नौबतपुर के गांव में लोगों ने फिर एक बार कानून को अपने हाथ में लिया है। बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक को लाठी डंडे से पीट पीट कर उसे जान से मार डाला। मौके की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने गांव के 2 दर्जन से अधिक लोगों को नामजद किया है। आपको बता दें कि पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक गरिमा मलिक ने ऐसे मामले को लेकर कई जगहों पर लोगों से बैठक की और लोगों को कानून हाथ में नहीं लेने की भी
सलाह दी है। इसके बावजूद भी लोग कानून को अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। गांव में सन्नाटा पसरा है और नामजद लोग गांव छोड़कर पुलिस से डरते भागते फिर रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, बाकी की खास खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वैश्विक न्यूज़। नमस्कार।